क्रिसमस प्रिय भाई और बहनों, जय यीशु। पोप फ्रांसिस ने इस वर्ष 2021 के जनवरी महीने में सीनियर सिटीजंस या वरिष्ठ नागरिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय विश्व दिवस की घोषणा की, जिसे हर साल जुलाई के चौथे रविवार को मनाया जाएगा। ये पर्व धन्य कुमारी माँ मरियम के माता पिता और प्रभु यीशु का नाना नानी संत अन्ना और जोआकिम के पर्व के साथ ही जुड़ा हुआ है। इस वर्ष का यह अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस जुलाई 25 को है और जिसका विषय है मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 20वें वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने स्वर्गारोहण के पहले अपने शिष्यों से ये वादा किया था कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इन्हीं शब्दों को संत पिता फ्रांसिस दोहराते हुए कहते हैं कि हे मेरे प्रिय दादा दादी, नाना नानी एवं बुजुर्ग मित्रों, इस प्रथम वरिष्ठ नागरिकों का अंतरराष्ट्रीय विश्व दिवस के अवसर पर मैं भी स्वयं आपके समान बुजुर्ग व्यक्ति इस शब्द से आप लोगों को संबोधित करना चाहता हूँ कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। संपूर्ण कलीसिया आपको प्यार करती है, सहयोग करती है और आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। जुलाई 25 तारीख को संत पिता फ्रांसिस वरिष्ठ नागरिकों एवं सभी क्रिस्त विश्वासियों को प्लेनरी इंडल्जेंस यानी पूर्ण पाप क्षमा या पूर्ण दंड मोचन प्रदान करने वाले हैं। इसका अर्थ है कि पुरोहित के पास जाकर पाप स्वीकार के द्वारा पाप क्षमा प्राप्त करने पर भी पापों का दुष्प्रभाव उस व्यक्ति के आत्मा पर बना रहता है। इसलिए संत पिता फ्रांसिस ने आत्मा के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए पूर्ण दंडमोचन या प्लेनरी इंडल्जेंस देने का वादा किया है। पोप फ्रांसिस के अनुसार मुख्य रूप से जुलाई 25 को इस प्रकार का पूर्ण दंडमोचन पाने के लिए तीन तरीका सुलझाया है, जो इस प्रकार है। पहला, पाप स्वीकार करके यूकरिस्टीय समारोह में भाग लेकर प्रार्थना करना। दूसरा, जुलाई 25 को पापा फ्रांसिस द्वारा संचालित दिव्य समारोह में मीडिया के द्वारा भाग लेकर। तीसरा, वृद्धजनों से मुलाकात करना, उनको दान देना या उनकी सेवा करना। प्रियजनों, संत पिता फ्रांसिस सभी वृद्धजनों से फिर से ये दोहराते हैं कि प्रभु आपको दिलासा देने के लिए स्वर्ग दूतों को भेजते हैं। इस पर्व के शुभ अवसर पर मेरी ओर से भी सभी बुजुर्ग मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं प्रार्थनाएं। सबको जय श्री।